चलो शुरू करते हैं सेकंड क्लास। सो क्लास टू है तो हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहा हूँ। तो इसके पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, क्योंकि उसका जो सोल्यूशन हम संडे में देंगे। हर एक संडे हम डेडिकेटेडली कमेंट सेक्शन में जो आदमी का प्रॉब्लम आ रहा है उसी का सोल्यूशन निकलेंगे। तो हम शुरू करने वाला है नंबर सिस्टम, ठीक है? शुरू कर रहा हूँ नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट एक चीज़ है, व्हाट्स अ नेचुरल नंबर? व्हाट्स अ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वन से शुरू करके इन्फिनिटी तक जितना नंबर आता है वो नेचुरल नंबर कहता है उसको। जैसे एन इसको डिनोट करता है एन से, एन एक सेट है, एन इज ए सेट, नेचुरल नंबर विल बी 1, 2, 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जितना आप जा सकता है वो होगा नेचुरल नंबर। तो सेट क्या होता है? सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल तुम एक सेट ले लो, मैन का सेट ले लो फॉर एग्जांपल मैन, और उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट है, उसमें तीन मैन ले लो, सचिन ले लो, सचिन, राहुल एंड सौरव, ओके? तो अभी अगर हम पूछे राहुल क्या है, राहुल क्या है, आंसर होगा राहुल एक मैन है, ठीक है? तो एक सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो जो कलेक्शन होता है उससे अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बोलता है उसको क्या बोलेगा, तो उस सेट का जो नाम है वो उसको बोलेगा, ठीक है? तो सेट के बारे में डिटेल्स में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देती हूँ। तो ऐसे नेचुरल नंबर जैसे थ्री, व्हाट इज थ्री? थ्री इज ए नेचुरल नंबर तुम बोल सकते हैं, ठीक? अभी व्हाट इज इवन नंबर में आता है, सीरियल नंबर टू इवन नंबर। इवन नंबर बहुत सिंपल है, इवन नंबर इज ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू, तो इसमें लिख दो डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। तो इवन नंबर का जो सेट उसको डिनोट करता है ई से, ई, तो ई क्या होगा, ई होगा 2, 4, 6 ऐसे करके इन्फिनिटी तक तुम जितना तक जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल 6 इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज 6 इज ए इवन नंबर, ओके? नेक्स्ट वर्ड नंबर, नेक्स्ट इज वर्ड नंबर। वर्ड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर जो होता है, ए नंबर विच इज नॉट इवन इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो ए नॉट डिविजिबल ना, ये नॉट डिविजिबल बाय टू, नॉट डिविजिबल बाय टू। तो ऑड नंबर का जो सेट उसको ओ से डिनोट करेगा। ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7 आप जितना तक जा सकते हैं, है ना? तो ऑड नंबर हो गया। अभी होल नंबर क्या होता है? देखो होल नंबर, होल नंबर जो है इसको डिनोट करता है डब्ल्यू से, डब्ल्यू। होल नंबर कुछ नहीं होता है, जो नंबर हम पहले बताया था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के साथ अगर तुम जीरो इंक्लूड कर दोगे तो जो नंबर बनेगा वो होल नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो ये जीरो से होगा, और पहले बता देता है नेचुरल नंबर 1, 2 जो 3 से लेके इन्फिनिटी तक का, तो ये होल नंबर का सीरीज बन गया। अभी नेक्स्ट में आता हूँ इंटीजर क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड इंटीजर, इंटीजर को आई से डिनोट करता है। वो इंटीजर क्या होगा, इंटीजर में ज़ीरो इंक्लूड होता है, 1, 2, 3, 4 जो पहले बोला है तो इंक्लूड होता है, और उसका साथ एडिशनली -1, -2, -3, -इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर बेसिकली क्या होता है, -∞ to +∞ जितना होता है ना पूरा का पूरा चीज़ इंटीजर में आएगा। तो ये -∞,
माइनस टू माइनस वन, जीरो भी आएगा इसमें, वन टू ऐसे करके प्लस से बढ़े तक चला जाएगा। इसमें से कोई एक एंटिटी, एंटिटी जो है तुम अगर उठा लो, फॉर एग्जांपल जीरो, व्हाट इज जीरो, जीरो इज एन एंटी सर। फिर इसमें क्या बोला, व्हाट इज जीरो, जीरो इज ए होल नंबर, तो जीरो इज सच ए नंबर विच इज एन एंटीजर एज वेल एज ए होल नंबर। ठीक है, तो एंटीजर जब हो गया उसके बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर के बारे में। है प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन क्या है, जो एक नंबर है, एक नंबर विच हैव नो फैक्टर्स अदर देन वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ, दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर जैसे थ्री, थ्री अगर तुम ले लो, थ्री का डिविजर क्या क्या होता है, थ्री का जो डिविजर होगा वो ये तो वन होगा और थ्री होगा, ये वन और थ्री छोड़ के दूसरा कोई डिविजर नहीं है, तो थ्री इज ए प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो थर्टीन, थर्टीन का डिविजर क्या है, वन इज ए डिविजर ऑफ थर्टीन, थर्टीन इज ऑल्सो ए डिविजर ऑफ थर्टीन, इसका अंदर वन और थर्टीन का अंदर जो नंबर ले लो तुम, देखो थर्टीन विल नॉट बी डिविजिबल बाई दैट, दैट्स वाई थर्टीन इज ए प्राइम नंबर। तो व्हाट इज प्राइम नंबर, अगेन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इज ए नंबर विच हैव नो फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। ओके, तो उसको मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर का जो है, ये मैं पूरा लिख रहा हूँ एक करके, सो दैट आप ये जो मैं शीट आपको देंगे, शीट रिवाइज करके आपको समझ में आ जाए। हाँ, प्राइम नंबर कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर क्या है, ये नंबर है जिसका, जिसका क्या है, नो फैक्टर्स, नो फैक्टर्स अदर देन, अदर देन वन एंड इटसेल्फ, ये प्राइम नंबर होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा टू थ्री फाइव सेवन एट सिक्स, करेक्ट प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट में हम जो बोलेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है, ये नंबर विच इज नॉट प्राइम इज ए कंपोजिट नंबर, ये नंबर, ये नंबर विच इज नॉट प्राइम, विच इज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, इसको कंपोजिट नंबर, इसका एग्जांपल क्या होगा, कंपोजिट नंबर का जो एग्जांपल होगा, कोई भी नंबर तुम उठा लो, सिक्स, सिक्स प्राइम है क्या, नहीं है, सेवन प्राइम है क्या, या तो सेवन कंपोजिट नहीं हो सकता है। अभी कोई भी नंबर ले लो, एट, एट प्राइम नहीं है क्योंकि इसको वन एंड एट छोड़ के टू फोर एटसेट्रा जो वो भी इसका फैक्टर है ना, तो इसलिए फोर, इसलिए एट इज ए कंपोजिट नंबर। समझ गया होगा, ये तो बहुत आसानी चीज़ है, इसके बारे में इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका बाद में बोलूँगा को प्राइम नंबर क्या होता है, सेवन नंबर हो गया, अभी को प्राइम नंबर देखो, को प्राइम नंबर ये थोड़ा ध्यान से देखो, को प्राइम नंबर जो होता है ना, को प्राइम नंबर का एक पेयर होता है, ब्रैकेट में लिखे तो इसका ना एक पेयर होता है, कौन सा पेयर होता है, फॉर एग्जांपल तुम एक 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 पेयर ले लो, जैसे तुम ले लो थर्टीन एंड सेवन का, ये पेयर में देखो इसका जीसीडी कितना है, इसका जीसीडी वन है, इसका जीसीडी बनेगा वन, मतलब इसका कोई, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन छोड़ के। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर का एक पेयर होता है हर एक टाइम, तो को प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए पेयर, तो को प्राइम नंबर्स, इसीलिए को प्राइम नंबर्स, नंबर नहीं है नंबर्स, को प्राइम नंबर्स जो होता है पेयर में आता है, तो टू नंबर्स व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, है ना, तो इसको लिख दो, तो टू नंबर जो होता है, ये टू नंबर्स ये ऑलवेज कम्स इन पेयर, तो टू नंबर्स इसका कॉमन फैक्टर, सो लिखो व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर, व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, है ना, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। अभी एग्जांपल में देखो, एग्जांपल, एग्जांपल फॉर एग्जांपल सेवन कॉमा टेन, देखो
टेन जो है, टेन इज नॉट ए प्राइम नंबर, टेन इज ए कंपोजिट नंबर, सेवन इज ए प्राइम नंबर। तो ए पेयर में एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों का जो जी सी डी होगा वो वन होगा, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा दोनों का। तुम दूसरा अगर 4,12 लेता है तो इसका जी सी डी कितना हो जाएगा, इसका जी सी डी हो जाएगा 4, मतलब वन छोड़ के भी इसका एक अदर फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर का पेयर में नहीं आएगा, ठीक है। और इसको और एक चीज़ बोलता है, इसमें बोल भी सकते हैं सेवन इज को प्राइम टू टेन, टेन इज को प्राइम टू सेवन, हाँ ये भी लिख लो, सेवन इज को प्राइम, सेवन इज को प्राइम टू टेन, वो भी लिख सकते हैं तुम, टेन इज को प्राइम टू सेवन, ठीक। नाउ अभी आता है रैशनल नंबर, 10 में कौन सा नंबर था, 8 नंबर, तो 9 नंबर में लिखो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन सा नंबर है। देखो एक चीज़ बता दूँ मैं, अगर कोई नंबर है तुम्हारे पास जैसे पाई, पाई को कैसे लिखोगे, पाई का वैल्यू कितना है पता है, पाई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 3.14, बट इसका वैल्यू 3.14 नहीं, इसका बद भी बहुत कुछ है तो हम लोग वो कंसिडर नहीं करते सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसका वैल्यू 3.14, उसका बाद फिर वन बहुत कुछ है, इसका बाद रैंडमली आता है। तो पाई का जो वैल्यू, ये जो रैंडमनेस है फाइनली आफ्टर द पॉइंट, ये जो नंबर से ये रैंडमली आता है, इसको हम सीक्वेंस में नहीं ले सकता है, इसके लिए ये पाई को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता है, ठीक है। जैसे रूट टू का वैल्यू कितना होगा, 1.414, इसका बहुत कुछ है यार, और जो है कोई सीक्वेंस में नहीं आएगा, तो इसको भी हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्या बात है, थोड़ा बाद में तुम्हारा समझ में आएगा, और थोड़ा देख लो। देखो फॉर एग्जांपल एक नंबर तुम ले लो 0.333333, ऑल थ्रीस, तो ये इसको ना तुम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, जैसे 1/3 अगर तुम करोगे, 1/3 अगर करोगे तो ये एक चीज़ आएगा, 1/3 करने से 3333 ऐसे ही आएगा, तो 0.3333 को हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, वायर पी इक्वल टू वन, या यू सी पी इक्वल टू वन एंड क्यू इक्वल टू थ्री, मैं समथिंग बाई समथिंग इसका फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसमें नीचे जो रहेगा क्यू वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर जीरो से डिवाइड करेंगे कोई नंबर को तो फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो नंबर हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उसी नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको डिलीट कर दो अभी, उसको मेन जो चीज़ है उसको लिखना है, जो नंबर हम पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है उसी नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। 0.333333333 सीक्वेंस आता है, ये ध्यान में रखना है, पॉइंट के बाद जिसको सीक्वेंस में आएगा कोई एक, तो उसको ही तुम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी किसी का रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो रैशनल नंबर क्या क्या हुआ, कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसमें लिखो लो, इसमें लिखो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, ऑफ पी वाई क्यू, पी वाई क्यू इंपॉर्टेंट है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट है ना, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये रैशनल नंबर। एग्जाम्पल दे दो, रैशनल नंबर का एग्जाम्पल कोई भी देख लो, 2/5, 1/19, कुछ भी, 0.3333 ऐसे करके पूरा बनेगा, सब रैशनल नंबर है। अभी नेक्स्ट ई रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर तो बोल दिया, फिर ई रैशनल नंबर कुछ नहीं, ई रैशनल नंबर क्या है, जो नंबर रैशनल नहीं, ए नंबर विच इज़ नॉट रैशनल, ठीक, विच इज़ नॉट रैशनल, उसका उल्टा है, नॉट रैशनल इज कॉल्ड ई रैशनल नंबर। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये नंबर जो है, इस नंबर को आप पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर नहीं सकता है ना, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक, ये रैशनल नंबर बन गया। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल में दो दिया हो, जैसे पाई, रूट टू, और भी है, देखेंगे धीरे धीरे। नाउ रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर,
रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जो नंबर है वास्तव में जिसको एग्जिस्टेंस है उसको रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर एक्चुअली हमने जो डिस्कस किया हो अभी, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों रियल नंबर का पार्ट है। तो रियल नंबर क्या है? इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, कोई भी नंबर ले लो। एग्जांपल क्या होगा इसका? पाई, 3/5, ठीक है, रूट टू, ठीक है, 1.732, कुछ भी शुभ रियल नंबर में, जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, वो नंबर रियल नंबर बनेगा। अभी रियल नंबर बताने के बाद मैं बताऊँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे एक एग्जांपल ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे फॉर एग्जांपल √-16। √-16 का वैल्यू हम लोग नहीं निकल सकते हैं, है ना, लेकिन √16 का हम लोग नहीं कर सकते। √16 का कितना वैल्यू होगा? +4 हो सकता है और -4 हो सकता है। √-16 का वैल्यू हम नहीं निकल सकते, लेकिन देखो ये √-16 जो है इसको हम लिख सकते हैं √16 × √-1। तो √16 जो है ये तो हम कर सकते हैं, √16 का वैल्यू +-4। ये √-1 का वैल्यू आप नहीं निकल सकते हैं, √-1। अगर √-1 निकल सकता तो कुछ भी निकल सकता है, तो फिर कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो इसको आई से डिनेट करते हैं, मैथमेटिशियन जो है इसको आई से डिनेट करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, √-16 ये हो गया +-4i। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट रहता है, एक पार्ट रहता है रियल पार्ट और दूसरा पार्ट रहता है इमेजिनरी पार्ट। ये 4i जो है ये इमेजिनरी पोर्शन है, जैसे i इज इमेजिनरी नंबर। तो इसको पहले डिलीट कर दो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट रहता है, एक रहता है रियल पार्ट, दूसरा रहता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल के बनता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या रहता है, इट हैज बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, है ना। एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल होगा जैसे 4+3i और -7i। -7i में क्या है, लिख सकते हैं 0-7i, तो 0 बनेगा रियल पार्ट, 0 हो जाएगा रियल पार्ट, और -7i जो ये होगा इमेजिनरी पार्ट। img लिख देता हूँ, हाँ, इमेजिनरी पार्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको जानने का इतना ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सिलेबस का बाहर है, ठीक है। सो 13 नंबर देखो, अभी हम एक नंबर बोलेंगे, उसको कहते हैं साइक्लिक नंबर, ठीक है, उसको कहते हैं साइक्लिक नंबर। ये नंबर क्या है? ये एक नंबर है जिसको आप अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी नंबर ही आएगा, इसका अंदर जितना डिजिट है उस सब सारे डिजिट ही आएगा, खाली इधर उधर होगा, लेकिन वो सीक्वेंस में आएगा। तो सीक्वेंस मतलब क्या है, ये साइक्लिक में आएगा। साइक्लिक जैसे फॉर एग्जांपल एक तुम सर्कल ले लो, इसमें तुम तीन डिजिट ले लो, ए बी एंड सी। तो अगर क्लॉकवाइज तुम जाओगे तो क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा, करेक्ट है, जैसे ABC है ना, ABC। अगर ए से तुम स्टार्ट करोगे ABC, अगर बी से स्टार्ट करो BCA, अगर सी से स्टार्ट करो देन CAB। ये सारी चीज़ जो है ये साइक्लिक ऑर्डर में। वैसे अगर कोई नंबर है, कोई नंबर जिससे अगर 2, 3, 4, 5 दूसरा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वो साइक्लिक ऑर्डर में आएगा। अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो उसी नंबर को हम बोलेंगे साइक्लिक नंबर, ठीक। तो साइक्लिक नंबर का एक एग्जांपल देने में आपको मैं बताता हूँ, एग्जांपल देखे आपको समझ में आएगा। देखो कोई एक नंबर ले लो जैसे 1, 4, क्या लेगा 2, 8, 5, 7 ले लो,
एग्जाम्पल है, बोलो कैसे। अगर इससे कोई दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो, जैसे टू से अगर मल्टीप्लाई करोगे, टू इंटू वन फोर टू एट फाइव सेवन, क्या होगा क्या होगा बोलो, टू एट फाइव सेवन वन फोर आएगा। अच्छा थ्री से मल्टीप्लाई करके देखो, थ्री से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर वन फोर टू एट फाइव सेवन, कितना आएगा, ऐसे आएगा फोर टू एट फाइव सेवन वन ऐसे। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो पार्ट है टू एट फाइव सेवन, इधर टू एट फाइव सेवन है, लेकिन पहले जो वन फोर है वो कहाँ चला है, इधर चला है। फिर इधर देखो फोर टू एट फाइव सेवन, देखो फोर टू एट फाइव सेवन, खाली ये वन जो है वन इधर चला है। मतलब क्या है, एक साइक्लिक ऑर्डर में होगा, साइक्लिक ऑर्डर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विथ ए डिफरेंट नंबर। तो इसका इसको तुम क्या लिखेंगे, इसको इन ए साइक्लिक ऑर्डर, इन ए साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विथ, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विथ, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विथ अनदर नंबर, है ना। तो इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, साइक्लिक ऑर्डर में अगर नहीं है तो उसको हम साइक्लिक नंबर नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इधर एट आ गया फिर टू आ गया, एट टू फाइव सेवन ऑन फोर अगर मल्टीप्लाई करके आता टू से और एनी अदर नंबर से, तो उसी केस में ये नंबर जो है वो साइक्लिक नंबर नहीं होता। ये साइक्लिक ऑर्डर में, क्योंकि ये वन फोर जो खाली शिफ्ट होके लेफ्ट से राइट में चला गया, इसीलिए साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। तो साइक्लिक नंबर होगा। अभी हम बताएंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये बहुत अच्छा नंबर है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर है ना, परफेक्ट नंबर परफेक्ट चीज़ है, देखो इसको ध्यान दे। तो कोई एक नंबर उसका डिवीज़र निकालो पहले, और वो जो डिवीज़र आएगा वो डिवीज़र का तुम साम करो। सम करने का टाइम में खुद उसी नंबर को मत लो, बाकी जितना डिविजर है उसको सम करो। सम करने के बाद अगर सेम नंबर आ गया तो उसी नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इफ ए सम ऑफ ऑल डिविजर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द सेम नंबर इट सेल्फ, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। बट इट्स टू बी अंडरस्टूड दैट द सेम नंबर हैज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ए डिवीजर। मतलब जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 28 का क्या क्या डिवीजर है बोलो, एग्जांपल तो 28 है। व्हाई, बिकॉज डिवीजर ऑफ 28 फर्स्ट हम लिखता है, डिवीजर्स ऑफ 28 क्या क्या होगा, इसका डिवीजर ऑफ 28 जो होगा क्या क्या होगा, एक तो वन होगा, एक टू होगा, एक फोर होगा, एक सेवन होगा, एक फोर्टीन होगा, एक 28 होगा, ये डिवीजर से। अभी वी विल नॉट इंक्लूड, है ना, वी विल, मैं हर एक चीज़ लिख रहा हूँ सो दैट पीडीएफ में आपको सारी चीज़ देखता है। वी विल नॉट इंक्लूड 28। तो अदर क्या क्या है, अदर क्या क्या है उसको ऐड करो, यह तक है। अभी ऐड करो, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सेवन प्लस 14, ऐड करने में कितना आएगा, देखो 21, 25, 27 एंड 28, जो पहले नंबर था उसी नंबर आ गया। तो सो क्या होगा, 28 इज़ ए परफेक्ट नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है एक नंबर जिसका जितना सारी डिविजर है खाली खुद नंबर छोड़ के उसको ऐड करके खुद वही नंबर आना चाहिए। अगर ऐसे कोई नंबर में आता है तो उस नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर का जो है एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ठीक है, इसको प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है परफेक्ट नंबर जो है, परफेक्ट नंबर का जितना सारा डिविजर है हमने तो देख लिया है। अभी वो जितना डिविजर है सर, एक डिविजर का अगर तुम इनवर्स को ऐड करोगे तो हर एक टाइम टू होगा, टू। जैसे इसमें हमारा जितना था,
डिविजर्स वो 1 था, 2 था, 4, 7, 14 था। अभी इसका इसी केस में 28 खुद को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ए बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर इट सेल्फ टू बी इंक्लूडेड, हाँ टू बी इंक्लूडेड इन दिस प्रॉपर्टी, इन दिस प्रॉपर्टी। अरे इधर आ रहा क्या है, स्पेलिंग में ही से होता है मेरा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी इन्वर्स ले लो, जितना सारा मैं बोला हूँ डिविजर्स 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? देखो, 1 का इन्वर्स 1/1, 2 का इन्वर्स 1/2, 4 का इन्वर्स 1/4, 7 का 1/7, 14 का 1/14, देन 28 का 1/28, ठीक। ये अगर ऐड किया तुम देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 56, करेक्ट। 28 आएगा ना इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा 28, तो 1 से 28, 14, 7, 4, 2 प्लस 28, ओके 1, 4, 2 प्लस, व्हाट, ये तो मिस्टेक हो गया, +1। तो इसमें 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है, 28 होता है। तो ये कैलकुलेशन होते हैं 28 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 28, सो 56/28 कितना आएगा, 2 आएगा। तो कोई भी परफेक्ट नंबर ले लो, परफेक्ट नंबर का दो चीज़ें, फर्स्ट थिंग उसका जितना डिवीजर है उसका डिवीजर निकाल लो, डिवीजर निकालने के बाद जो खुद का जो नंबर है वो भी तो डिवीजर का अंदर ही आएगा ना, क्योंकि एक कई भी नंबर का दो डिवीजर होगा होगा, वो एक तो 1 ही होगा और खुद नंबर होगा, ठीक है। तो खुद को निकल के बाकी जितना डिवीजर है उसको ऐड करने के बाद वो नंबर इटसेल्फ आना चाहिए, तो ये परफेक्ट नंबर। दूसरा चीज़ है, जितना सारा डिवीजर है, अभी इस केस में प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूँ, उसमें खुद का जो नंबर है उसको इंक्लूड करना है, तो जितना सारा डिवीजर होगा टोटल इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, उसके इन्वर्स को अगर ऐड करोगे तो 2 आएगा। दूसरा एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल 2 लेता हूँ, एग्जांपल 2 परफेक्ट नंबर का एग्जांपल 2, एक छोटा नंबर है, छोटा सा नंबर से एग्जांपल देने से अच्छा होगा, 6, एग्जांपल 2 6, लेट अस कंसीडर 6, 6 का डिवीजर कितना कितना होगा, 6 का डिवीजर कितना कितना होगा, डिवीजर 6 का डिवीजर होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 6 होगा। अभी पहले डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन परफेक्ट नंबर का चेक कर दो, होता है नहीं होता है। तो अभी डेफिनेशन चेक करने का टाइम 6 को हम नहीं लेंगे, डेफिनेशन चेक करने का टाइम में तो 1 लेंगे, प्लस 2 लेंगे, प्लस 3 लेंगे, 6 आ गए, तो डेफिनेशन सेटिस्फाइड किया, देयरफॉर 6 इज ए परफेक्ट नंबर। नाउ वी हैव टू चेक द प्रॉपर्टी, चेक द प्रॉपर्टी। इसको प्रॉपर्टी अगर जब चेक करेंगे, चेक करने का टाइम में अभी 6 को आप कंसिडर करेंगे, 6 टू बी कंसिडर्ड, सो 1, 2, 3, 6 हम चारों लेंगे। अभी इन्वर्स करना पड़ेगा एक एक करके, करो इन्वर्स, 1 का इन्वर्स 1/1, 2 का इन्वर्स 1/2, 3 का इन्वर्स 1/3, 6 का इन्वर्स 1/6 ऐड करो उसको, इसको एलसीएम 6 होगा, 1 से 6, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 6 प्लस 6, 12/6 इज 2। तो कोई भी नंबर से आप चेक कर सकते हैं, तो परफेक्ट नंबर होगा। तो ये परफेक्ट नंबर होने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे टोटल, अभी नंबर सिस्टम के बारे में टोटल जितना चीज़ बोला हूँ उसका हम समरी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।